भोलू प्रातः सबसे पहले उठ गया, सबसे पहले तैयार हो गया। माता पिता को प्रणाम करते हुए भोलू खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज भोलू का जन्मदिन था। मम्मी पापा और छोटी बहन ने भोलू को केक काटने को कहा। भोलू कुछ सोच में डूब गया और वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने पिताजी से कहा, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हट के मनाऊंगा। पप्पा ने कहा, बताओ क्या बात है? भोलू ने कहा, आप सब मुझे भेंट देना चाहते हैं ना? मम्मी पापा सब ने कहा, हाँ अवश्य। भोलू ने कहा, आप सबसे मैं भेंट के तौर पर पैसे लेना चाहता हूँ। पापा ने कहा, ऐसी क्या बात है, पैसों की क्या जरूरत है? भोलू ने कहा, मेरा एक मित्र है अनुज। अनुज की मम्मी बीमार है, उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, मैं उसे मदद करना चाहता हूँ। मम्मी पापा ने कहा, बहुत अच्छा विचार है, हमें खुशी हुई, चलो हम सब आज साथ में अनुज के घर जाएंगे और उसकी मम्मी को दवाइयाँ ला देंगे। भोलू ने कहा, धन्यवाद, आज का मेरा जन्मदिन अनुज की मम्मी को मुबारक। इस कहानी से हमने क्या सीख पाई? मित्रों को संकट के समय एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, यही ना?